गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा यूनिट चल रहा था वन, यूनिट वन का रीड टू द वाइल्ड सेवियर, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ तक कि अली भाई जो है वो उन बच्चों को, लेपर्ड के जो बच्चे होते हैं उन्हें वो देखते हैं और ये पाते हैं कि उनकी जो माता है वो उनके नज़दीक नहीं है। उसके आगे की स्टोरी देखते हैं। देन व्हाट हैपन आस्क्ड नीलम, तो नीलम पूछती है उसके बाद क्या हुआ। वेल आई केप्ट क्लोज टू द ग्राउंड ऑन माई बैली। बैली क्या होता है, बैली का मीनिंग होता है पेट। तो अली भाई बोलते हैं कि मैं ज़मीन के साथ चिपक के सोता रहा, मतलब बैली यानी ज़मीन के ऊपर पेट उन्होंने ज़मीन के ऊपर टिकाए रखा और वो ज़मीन के ऊपर उल्टे सोते रहे। आई वॉज वरीड इफ़ द मदर वॉज अराउंड, उन्हें चिंता थी, वरीड यानी कि चिंता थी, अगर माता पास हुई तो। सुन आई सा अ वेरी स्ट्रेंज थिंग हैपन, सुन यानी कि कुछ समय के बाद और स्ट्रेंज यानी कि अजीब, जिस चीज़ की उन्होंने कल्पना नहीं की वैसी अजनबी चीज़। तो बोलते हैं कि कुछ समय के बाद कुछ अलग घटना घटित हुई। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, अ ह्यूज ब्लैक बियर केम ग्लूविंग फ्रॉम द ट्रीज एंड रश्ड टुवार्ड्स द कप। ओके, तो आगे क्या बोल रहे, ह्यूज यानी कि बड़ा और ब्लैक यानी कि काला, तो एक बड़ा काला बियर यानी कि रिंच, ग्रूविंगली यानी कि आवाज़ करते हुए, फ्रॉम द ट्रीज एंड रश्ड टुवार्ड द कप्स, तो अचानक से एक काला और बड़ा रिंच आवाज़ करते हुए पेड़ से प्रवेश करता है एंड रश टुवार्ड द कप्स, और उन बच्चों के पास जाता है। नाउ आई वॉज वरीड मोर अबाउट द कप्स देन मी। तो आगे क्या बोलते हैं अली भाई बोलते कि मैं अब चिंतित था लेकिन मुझसे ज़्यादा उन बच्चों के लिए चिंतित था। क्यों चिंतित थे उनके लिए, क्योंकि ये जो बड़ा सा रीच है वो उनकी तरफ जा रहा था। Within no time, I heard a deafening roar of anger from just a few meters away from me. Deafening roar यानी कि एक ऐसी आवाज़, मतलब जोर, बहुत ही ज़ोर से जो आवाज़ होती है उसे बोलते हैं deafening roar, जब वो आवाज़ होती है तो दूसरी आवाज़ें हमें सुनाई भी नहीं देती है ऐसी। तो अली भाई बोलते हैं कि मैंने एक गुस्से से भरी, एक ज़ोर से आवाज़ सुनी, जस्ट अ फ्यू मीटर्स अवे फ्रॉम मी, मुझसे कुछ ही मीटर दूरी पर। टू माई हॉरर एंड सरप्राइज, अ बिग वाइट कैट द मदर स्नॉ लेपर्ड अपीयर जम्पिंग डाउन ऑन अ नियर बाई यूज रॉक। तो आगे क्या बोल रहे, हॉरर यानी कि डर एंड सरप्राइज यानी कि आश्चर्य। तो अली भाई बोलते हैं कि मेरा जो डर था, डर कौन सी चीज़ का, उस रीच को लेकर, और आश्चर्य, इनके बीच में एक सफ़ेद मादा मदर स्नो लेपर्ड यानी कि सफ़ेद मादा चीता एक लाइन बन गई, एक सफ़ेद मादा चीता एक लाइन बन गई और वो कूदती हुई, जंपिंग डाउन, कूदती हुई रीच के पास आई। गुश एक्सक्लेम्ड अर्जुन, तो अर्जुन आश्चर्य के साथ बोलता है गुश, गुश का मतलब होता है कि हे भगवान, उससे आश्चर्य हुआ कि बाप रे ऐसा सब हो रहा था, तो बोलता हे भगवान। हाउ हॉरिफाइंग, एडेड नीलम, कितना डरावना, हॉरिफाइंग यानी कि कितना डरावना, तो नीलम बोलती है कि कितना डरावना है। कीप क्वाइट सेड देयर मदर impatiently, what happened then, तो उनकी मम्मी बोलती है कि चुप रहो, धीरजता से, impatiently मतलब कि अधीर होकर धीरज से बोलते हैं कि चुप रहो। what happened then, उसके आगे क्या हुआ। थैंक यू, इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।